हेलो फ्रेंड, आज का ब्लॉग है गंगोर ब्लॉग। आज मैंने गंगोर की पूरी तैयारी करनी थी, तो सोचा कि आपसे वीडियो शेयर कर लेती हूँ और रेसिपी भी हो जाएगी गोने की तरह से बन जाएंगे। तो चल देखते हैं कि आज की वीडियो में हमने गंगोर से क्या क्या तैयारी करी, किस तरह से गंगोर को पर्व खुशी के साथ हमने मनाया पूरी फैमिली और फ्रेंड के साथ, और संसार में भी और मायके में। मेरी दीदी के अध्यापक था तो मुझे वहाँ जाना था, मैं वहाँ चली गई थी और बहुत इंजॉय किया, बहुत वीडियो बनाए, बहुत खुशी के साथ पूरे त्यौहार को सेलिब्रेट किया। गंगोर से एक दिन पहले सिंजारा होता है, तो सिंजारे के एक दिन पहले मैंने ये मेहंदी लगवा ली थी और मेहंदी बहुत सुंदर लगी थी। और सबसे बड़ी बात है, जो लगाने वाली थी वो मेरी देरानी की बहन की लड़की थी, फटाफट हाथ लगा ली थी और बहुत सुंदर हाथ लगाती। और देखिए आज ही बारिश हुई है और ये मैं बना रही दूसरे दिन का वीडियो। आज सिंजारा है और कल गंगोर है, और गंगोर मुझे क्या पहनना है वो साड़ी मैंने प्रेस करके रख रही हूँ। ये बिल्कुल नई साड़ी है और मैं पहली बार पहनूंगी। और देखिए मेहंदी में कितना अच्छा कलर आया है। मेहंदी लग चुकी मेरे हाथों में, आज सिंजारा है तो मेहंदी मैंने कल ही लगा ली थी और अच्छे हाथ भराए। देखिए आप बहुत सुंदर मेहंदी लगाई है। और आज सिंजारा है तो हमारे यहाँ घेवर लाना बहुत जरूरी होता है, तो मैंने घेवर ही मंगाए थे, उसका वीडियो देखिए। घेवर भी आए और ये घेवर में से भोग कल गंगोर है तो उनको उसमें से भोग भी दूंगी और खाएंगे भी। गंगोर होती तो ये 16 दिन पूजी जाती है, और जब 16 दिन पूजती तो हमको 16 गोने बनाने पड़ते हैं मीठे, तो उसकी रेसिपी आज आपसे शेयर कर रही हूँ। गेहूं के आटे के गोने बना रही हूँ, तो करीब डेढ़ कटोरी मैंने गेहूं का आटा लिया और डेढ़ कटोरी ही मैंने चीनी पीसी हुई ली है, और इसमें थोड़ा सा मैंने टेस्ट अच्छा है सुगंध मिला है तो इलायची पाउडर डाला है और थोड़ा सा मोइन डाला, बहुत ज़रा सा, और इसको अच्छे से गूंद लिया है। और इस तरह से लोई बनाइए, इनको अच्छे से लंबा लंबा काट लिया और फिर इसको उंगली की सहायता से एकदम रिंग बनानी है, और ये रिंग बहुत अच्छे से बनानी होती है ताकि मतलब टूटे नहीं, सिकनारी ना टूटे, क्योंकि अगर जो टूट जाते फिर हम उसको गंगोर को चढ़ा नहीं सकते। इस तरह से मैंने सारे ये गोने बना लिए हैं। अच्छा, मोइन कम डालना, क्योंकि अगर मोइन ज़्यादा डाल दोगे तो बहुत सॉफ्ट बनेंगे और फिर ये इस तरह से गोने बन नहीं पाएंगे। और ये देखिए मेरे गोने बन के तैयार हो गए और दूसरे दिन मैं रेडी हो गई हूँ। गंगोर पूजने की तैयारी कर ली है, ये मैंने गोने बना लिए, ये घेवर भोग के लिए है, गोने उनको चढ़ेंगे और ये उनके लिए वस्त्र है। इसमें मैंने पूरे श्रृंगार का सामान रख दिया, तो एक मतलब नोट रखना जरूरी होता है इस सर्दी के लिए। अब मेरी दीदी की बहू ने उद्यापन किया है 16 दिन गंगोर पूज के, और उनके ये पहली गंगोर थी उनकी बेटी की, तो उन्होंने बड़ी धूमधाम से बनाई। और देखिए मेरे हाथ में मेहंदी बहुत अच्छी लगी है, मुझे जाना था इसलिए मैंने अच्छे से मेहंदी लगाई और हम लोग जा रहे हैं। ये देखिए जाना यहाँ से कम से कम 27 किलोमीटर दूर में से मेरे घर से, और बहुत इंजॉय करते हुए जाएंगे हम लोग रास्ते में। हाँ, आते समय मैं थक गई थी तो मैं पीछे अकेली बैठी तो आराम से सोती हुई आई थी, और वहाँ पहुँचने के बाद हमने अच्छे से गंगोर पूजी। ये मेरी दूसरी दीदी है, ये मेरी दीदी ट्विंस हैं, और जिनके हम गंगोर पूज रहे हैं उनकी बहू ने उद्यापन किया है और उनकी बेटी की शादी से पहली गंगोर थी, जो मायके में पूजना जरूरी होता है, तो इसलिए उन्होंने अपनी बहू को उद्यापन नहीं करा दी, क्योंकि 16 दिन पूज कर ही उद्यापन कर सकते हैं। और ये पूरे अच्छे से हमने गंगोर पूजी है, उसे अच्छे से खाना वाना खाया है और फिर खूब सारी हमने रील बनाई और बहुत इन्जॉय किया। ये देखिए हम चार तीनों बहनें और उनकी दोनों लड़कियाँ, हम तीनों ने तो लाल ड्रेस पहन रखी, उनकी बेटियों ने राजपूती ड्रेस पहन रखी, हम तीनों ने साड़ी नहीं, उनकी मम्मी ने भी राजपूती ड्रेस पहन रखी थी। और फिर जब घर जाने लगे तो दूसरी दीदी को हम उनके घर छोड़ रहे थे, और फिर उनके मंदिर थे, हम वहाँ भी खूब इंजॉय के घर आए। तो ये सब भी जो मेरे फैमिली मेम्बर है, मेरी सास है, सब भी कहीं ना कहीं उद्यापन में गई थी, सब इकट्ठे हुए और वहाँ भी हमने खूब बहुत मस्ती करी, इंजॉय किया। और पूरे मतलब कौन कहाँ से क्या क्या मिला किसको, सब ने बताया कि हमको ये मिला वो मिला, और बहुत इंजॉय किया सब ने। और एक बहुत अच्छा टुगेदर हो गया, क्योंकि ऐसे तो कोई किसी के जाता नहीं है, बहुत कम आना जाना होता है, पर त्यौहार पे सब इकट्ठे हो जाते हैं। और मुझे देखिए साड़ी मिली है, और ये गोने जो बनाते हैं हम, वो 8 मैंने गंगोर को चढ़ाए थे और 8 मेरिट को उन्होंने दे दी जिसने उद्यापन किया है। साड़ी मिली, उस पर श्रृंगार का सामान, एक कटोरी और उस पर 8 गोने, और इस तरह से हमने गंगोर के त्यौहार को बहुत इन्जॉय किया। इस तरह से हमने गंगोर फेस्टिवल को खूब एंजॉय किया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।